नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में तीन और स्टॉक के बारे में। आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। गोदरेज इंडस्ट्रीज दमदार कंपनी है। जेके टायर पिछले तीन से चार दिन से लगातार अच्छी खासी तेज़ी दिखाते जा रहा है और अरविंद लिमिटेड 100 के जो लेवल थे इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर स्टॉक अच्छी तरह सस्टेन भी कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की। स्टॉक जो है आप देख सकते हैं 4.5 से 5% तक के गेन आज इंट्राडे में बनाए हैं। धीरे धीरे पूरे दिन भर में स्टॉक में थोड़ी बहुत बाइंग कंटिन्यू आते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर आपको टारगेट जो है 15 से 20 रुपये का मूवमेंट और ऊपर स्तरों पर आते हुए देखने को मिल सकता है। करीब करीब 600 के लेवल तक स्टॉक जो है इवेंचुअली ज़रूर जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। तो देखिए, बात करें इंट्राडे के चार्ट की तो 580 के CMP पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी, 32 रुपये आज चल चुका है, यानी 5.6% की तेज़ी इंट्राडे में बनाई है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने। 5 दिन में 6.5% चला है, 1 महीने में आपको करीब करीब फ्लैट ही दिखेगा 1.25% की तेज़ी के साथ, 6 महीने में 26, ईयर टू डेट पर 35 और 1 साल की अवधि में स्टॉक जो है 64% तक चलते हुए देखने को मिला है। तो देखिए, बात करें गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की तो स्टॉक जो है आपको अप्रैल से लेके आज मई जून जुलाई अगस्त 4 से 5 महीने हो चुके हैं, 4 महीने पूरे हो चुके हैं, 5वां महीना चल रहा है। स्टॉक एकदम रेंज बाउंडेड आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। इसकी हर्डल का एक लेवल है, उसके बिल्कुल करीब स्टॉक पहुँच चुका है, जो कि करीब करीब 600 का ही है। ये देख सकते हैं एक बार और दूसरी बार, दो बार स्टॉक ने अब तक 4-5 महीनों में 600 के लेवल को छुआ है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू गिरावट आते हुए देखने को मिली है। इस बार जो है स्टॉक पूरा मन बना चुका है 600 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर जाने का। तो जब ये 600 के लेवल को टेस्ट तो निश्चित रूप से करना चाहिए 600 के लेवल को, लेकिन इस बार संभावना बनेगी कि इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन भी करेगा तो एक ब्रेकआउट ज़रूर देगा। होल्ड कर सकते हैं, कोई बाय करना चाहे तो थोड़ा बहुत बाय भी यहाँ किया जा सकता है। कंपनी गोदरेज ग्रुप की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात करें जेके टायर की तो टायर के स्टॉक ऑटो से जुड़े हुए सारी कंपनियां ऑटो एंसिलरी के सारे धीरे धीरे फोकस में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहां आज 9.5% तक के गेन स्टॉक ने दिखा दिए हैं। आपने स्पाइक आते हुए स्टॉक में देखे हैं, साथ ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ आज कारोबार स्टॉक में हुआ है। यहाँ भी बाय रिकमेंडेड है, जिन्होंने ले रखा है उनके लिए होल्ड रिकमेंडेड है। स्टॉक अभी और चलते हुए देखने को मिलेगा इवेंचुअली आने वाले वीक्स में। तो देखिए, आज की क्लोजिंग की अगर बात करें तो करीब करीब स्टॉक ने हाई पीक अपने दिन भर के हाई पीक पॉइंट पे ही क्लोजिंग दी है 8.25% की तेज़ी के साथ। 5 दिन की बात करेंगे तो 12.5% चला है, 1 महीने में स्टॉक में 9.5%, 6 महीने में 17.5%, ईयर टू डेट पे देखिए डबल से ज़्यादा हो चुका है, 108% के रिटर्न है और 1 साल की अवधि में 137% के रिटर्न दिए हैं। तो देखिए, बात करें इसके इंट्राडे के चार्ट की, स्टॉक में एक अपडेट भी है। 6 अगस्त को यानी 3 दिन बाद कंपनी की Q1 के नंबर्स अनाउंस करेगी, उस पर नज़र रहेगी कैसे नंबर आते हैं। लेकिन फिलहाल आज के दिन में स्टॉक ने कई इंपॉर्टेंट लेवल को अपने ब्रेक कर दिया है, जो कि जनवरी 2021 का आप देख रहे हैं और ये जो लेवल है जून का लेवल है। तो ये दोनों लेवल के ऊपर स्टॉक ने बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई, ये एक कैंडल जो आप रेड ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन इस दिन भी जो है प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। वीकली चार्ट पे भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, स्टॉक ने ऑल टाइम जो है 52 वीक का न्यू हाई आज के दिन क्रिएट कर दिया है। वीकली चार्ट पे एक नेक्स्ट जो कि टारगेट बन सकता है उसकी बात करें तो वो बनेगा करीब 170 रुपये का, यानी यहाँ से 12 रुपये भी स्टॉक और चलने की गुंजाइश दिखाएगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 200 के टेरिटरी में एंटर होने का ट्राई करेगा। टेरिटरी मतलब 190 से जो है 200 की रेंज में स्टॉक आते हुए देखने को मिलेगा। तब तक तीसरे दिन जो है नंबर आ ही जाएंगे, वो हम लोग देखेंगे कैसे रहते हैं। अच्छे रहेंगे तो फिर 200 पार भी कर देगा, अगर मीडियम भी रहते हैं तो फिर स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आएगा। वो जो भी नतीजे रहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लेना। तो देखिए, बात करें तीसरे स्टॉक की अरविंद लिमिटेड, तो आज यहाँ पे जो है 3% तक के गेंस बनते हुए देखने को मिले, एक स्पाइक यहाँ आते हुए देखने को मिला है। स्टॉक 100 रुपये के ऊपर अच्छी तरह से सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी के लिए एक्सपेक्टेड जो है टारगेट दिया गया, जो कि 115 के करीब का बनेगा और जिन्होंने ले रखा है आराम से होल्ड कर सकते हैं। अभी डेली चार्ट का हम लोग देखेंगे किस तरह का रुझान बन रहा है। तो देखिए, स्टॉक में आज के दिन करीब 2% की तेज़ी देखने को मिली है। दिन भर एक फ्लैट सा ही कारोबार था, लेकिन मार्केट के सेकंड हाफ में थोड़ी सी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली। स्पाइक आया था, 5 दिन में देखेंगे तो स्टॉक 4.5% चला है, 1 महीने में 25, 6 महीने में 107, 126 ईयर टू डेट पे, लेकिन 1 साल की अवधि में स्टॉक दमदार रिटर्न दिए 266% के और ऊंचाइयों से अभी भी अपने स्टॉक काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अरविंद लिमिटेड में भी एक अपडेट है। आज 3 तारीख है, परसों यानी 5 तारीख को कंपनी के Q1 के नंबर्स अनाउंस किए जाएंगे। स्टॉक के पास एक मेजर हर्डल है, जो कि आपको चार्ट पे दिखाई दे रही है, जहां पे स्टॉक ने कई बार पहुंचने का ट्राई किया है, 110 की है और स्टॉक 100 के ऊपर तो सस्टेन कर ही चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं 100 पे बार बार सपोर्ट लिया है, तो 100 के पास तो स्टॉक जाएगा नहीं। अगर बाय द वे जाता है, किसी दिन मार्केट करेक्शन हो तो ऐड कर सकते हैं। 110 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तब अच्छी खासी तेज़ी ज़रूर ये स्टॉक दिखाएगा। वीकली चार्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हर्डल आप देखेंगे, स्टॉक अपने जो है
ये जो एक्सप्लिट है या बोनस है या डी मर्जर है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन स्टॉक में जो है अच्छी खासी तेज़ी ज़रूर बनते हुए देखने को मिल रही है। 110 के ऊपर एक ब्रेकआउट देगा तो 115 से 17 के टारगेट यहाँ पे और बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। कोई लेना चाहता है तो नीचे गिरावट में ले सकते हैं, और ले रखा है तो होल्ड करिए। Q1 के नंबर का इंतजार है, अच्छे आएंगे कैसे आएंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे नंबर की जो है आने की। चलिए बात के लिए इस वीडियो में हमने 3 स्टॉक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।